कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में वैदिक सिटी बनाने का फैसला लिया है। इस वैदिक सिटी में धर्म के आरंभ से अब तक के सोपान प्रदर्शित किए जाएंगे। यहाँ वेद पुराण शास्त्र का ओरिजिनल वर्जन और फिलोसफी ऑफ हिंदुत्व का मॉडल साकार किया जाएगा। वैदिक सिटी भोपाल के आसपास 100 एकड़ जमीन पर पीपीपी मोड पर इसे बनाया जाएगा। इसके लिए सीहोर रायसेन में जमीन तलाशी जा रही है। पहले चरण में सांची भोजपुर और सीहोर की साइंस सिटी के आसपास की जमीन को देखा जा रहा है। वैदिक सिटी बनाकर कमलनाथ सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को टक्कर देना चाह रही है। जून 2018 में योगी सरकार ने गुणमुक्तेश्वर में वैदिक सिटी बनाना तय किया था। तब से वहां मलेशिया की कंपनी के साथ कागजी कवायद चल रही है। अब कमलनाथ सरकार ने वैदिक सिटी को उत्तर प्रदेश से पहले साकार करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के नजरिए से केवल तीर्थ स्थलों के विकास को वैदिक सिटी के रूप में साकार करने की राह पर है। लेकिन कमलनाथ सरकार ने इससे अलग हटकर वैदिक सिटी का विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। वैदिक सिटी का निर्माण कॉर्पोरेट अंदाज में किया जाएगा। इसे धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाकर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में लाने के विजन पर काम होगा। इसके लिए फॉरेन फंड लाने की कोशिश हो रही है ताकि पीपीपी मोड पर इसका जल्द निर्माण हो सके। साथ ही विदेशों में बसे धार्मिक प्रवृत्ति के प्रदेशवासियों को फंडिंग के लिए जोड़ा जा सके।